हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल हनीज ब्यूटी एंड हेल्थ। एज यू नो, मैं हूँ हनी। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे पोटैटो के बारे में, आलू का बेनिफिट्स। आलू आपको पता है अपने स्किन को कितना अच्छा काम देती है, कितना आलू में काफ़ी सारे विटामिंस, न्यूट्रिएंट्स, प्रोटीन्स रहता है। इससे ये हेल्थ के लिए ने और स्किन के लिए भी काफ़ी अच्छा मदद करती है, क्योंकि आलू हाई अमाउंट ऑफ विटामिंस रहता है, तो इसकी वजह ये अपना स्किन कॉम्प्लेक्शन को इम्प्रूव करती है। काफ़ी सारे लोगों को एक्ने का, डार्क स्पॉट्स का प्रॉब्लम होती है, तो उसको भी हटाना है तो कंपलसरी आलू इस्तेमाल करना है। आलू अपना स्किन के लिए बहुत अच्छा मदद करती है, तो आज मैं आपको आलू का इस्तेमाल से स्किन को कैसे केयर करना है बताने वाली हूँ। इस वीडियो आप कम्प्लीटली देखिए। इस वीडियो में मैं कुछ टिप्स और ट्रिक्स भी बताऊँगी, अगर इसके साथ ही साथ वो भी फॉलो करोगे ना, अपनी स्किन जो है हमेशा के लिए एंगर और ग्लोइंग दिखता है और किसी तरह स्किन केयर प्रॉब्लम से आपको आसपास भी नहीं आता है। तो चलिए वीडियो को देखते हैं। और वीडियो को देखने के पहले अगर आपको भी कोई भी रिक्वेस्टेड वीडियो है तो वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए। आपके कमेंट पढ़ के मैं 2 से 3 दिन के अंदर आपका रिक्वेस्टेड वीडियो बना देती हूँ और उस वीडियो के अंदर मैं आपका नाम भी मेंशन करती हूँ। तो इसके लिए आप मेरे चैनल को हमेशा फॉलो कीजिए। और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब मेरे चैनल, और साइड पे बेल सिंबल रहता है उसको आप क्लिक करने से मैं जब भी लेटेस्ट वीडियो अपलोड करती हूँ आपको नोटिफिकेशन मिल जाती है। क्योंकि काफ़ी सारे लोग मेरे चैनल को तो सब्सक्राइब कर चुके हैं लेकिन बेल सिंबल को काफ़ी सारे लोग मिस किए हैं, तो आप बेल सिंबल को ज़रूर क्लिक करने से मेरा नया वीडियो का अपडेट्स आपको मिल जाती है। तो प्लीज़ बेल सिंबल को ज़रूर क्लिक कीजिए। सो चलिए हम वीडियो को देखते हैं। सो फ्रेंड्स, आज मैं आप बताने वाली हूँ पोटैटो को कंप्लीट बेनिफिट्स, पोटैटो से डार्क स्पॉट्स एक्ने को रिमूव करने का, और पोटैटो से आलू से अपना डार्क सर्किल्स को कैसा हटाना है। और काफ़ी सारे लोगों को आंखों के नीचे पफिनेस आ जाती है, व्रिंकल्स आ जाती हैं, और फोरहेड के ऊपर और ओटों के आसपास के साइड्स पे जब भी हम हंसते हैं तो व्रिंकल्स फॉर्म होती है, तो उस व्रिंकल्स को रिमूव करना है, तो स्किन को एजिंग करना है। तो आज मैं आपको कम्प्लीटली दिखाने वाली हूँ, क्योंकि पोटैटो जो है एंटी एजिंग की जैसे भी अपना स्किन के ऊपर काम करती हैं, उसमें विटामिन ई, विटामिन सी रहता है। ये अपने स्किन कॉम्प्लेक्शन को इम्प्रूव कर देती है और स्किन का टोन को बढ़ा देती है। अभी मैं आपको इस वीडियो में कम्प्लीटली दिखाने वाली हूँ पोटैटो किस तरह इस्तेमाल करना है। चमड़ी के लिए हमें एक क्लीन बाउल में आलू का पेस्ट ऐड करना है। मैं ऑलरेडी आलू को अच्छे से ग्राइंड कर चुकी हूँ, इसलिए मैं इसमें ऐड कर रही हूँ आलू का पेस्ट। मैं आलू का फाइन पेस्ट जैसे मिक्स कर ले चुकी हूँ। 2 चम्मच आलू का पेस्ट ऐड कर रही हूँ। 2 चम्मच आलू का पेस्ट में हमें ऐड करना है मुल्तानी मिट्टी, क्योंकि फर्स्ट टिप है स्पॉटलेस और ग्लोइंग बनाने के लिए 2 चम्मच आलू का पेस्ट ऐड करना है। इसके बाद इसमें हमें ऐड करना है 2 चम्मच मुल्तानी मिट्टी। ये दो चीज़ को अच्छे से मिक्स कर लेना चाहिए। याद रखिए इसमें हमें वाटर ऐड नहीं करना है, खाली आलू का पेस्ट है, ये मिक्स कर लेना चाहिए। आलू का पेस्ट और मुल्तानी मिट्टी अपने चेहरे को सारे गंदगी, टैन को रिमूव करता है, और इससे अपना स्किन भी टाइटनिंग और ब्राइटनिंग होगा। इस सर्दी का मौसम में आलू को इस तरह आप इस्तेमाल करके देखिए, अपने स्किन जो है स्किन तो अच्छी तरह इम्प्रूव होगा और स्किन का कॉम्प्लेक्शन भी बढ़ेगा। आप सिंपल आलू का पेस्ट में, आप 2 चम्मच आलू का पेस्ट में 2 चम्मच मुल्तानी मिट्टी मिक्स करने से काफ़ी है, ग्लोइंग और ब्राइटनिंग पैक तैयार हो चुकी हैं। बस अभी इसको चेहरे के ऊपर इस्तेमाल कैसे करना मैं बताऊंगी। अभी इस ग्लोइंग पैक को अप्लाई करने के पहले चेहरे को साफली वॉश करना है। वॉश करने के बाद इस पैक को ऑल ओवर चेहरे के ऊपर, आंखों के नीचे छोड़ के ऑल ओवर चेहरे के ऊपर अप्लाई करना है, चेहरा और गले के ऊपर। इसमें आलू का पेस्ट है तो आलू अपने स्किन कॉम्प्लेक्शन को इम्प्रूव करता है। अगर आपका स्किन डल है तो सूखे ड्राई है तो उसको भी नॉरिशिंग करना है तो कंपलसरी आलू इस्तेमाल करना है। इससे चेहरा भी ब्राइटनिंग टाइटनिंग होगा, और मुल्तानी मिट्टी है क्योंकि मुल्तानी मिट्टी अपने स्किन कॉम्प्लेक्शन को इम्प्रूव करता है। आपको पता है मुल्तानी मिट्टी चेहरे को यूज़ करने से स्किन भी टाइट होगा, और ये मुल्तानी मिट्टी एंटी एजिंग जैसे भी काम करता है, इसलिए मैं मुल्तानी मिट्टी इस्तेमाल कर चुकी हूँ। तो आलू और मुल्तानी मिट्टी को इस तरह आप लगाइए, अपना चेहरा अच्छे से ग्लोइंग और ब्राइटनिंग दिखता है। इस तरह हमें इसको अप्लाई करने के बाद अच्छे से सूखने के लिए 5 से 6 मिनट तक छोड़ने हैं। 5 से 6 मिनट के बाद चेहरे को नॉर्मल पानी से वॉश करके पोंछ लीजिए। ऐसे करने से स्किन ग्लोइंग और ब्राइटनिंग दिखेगा और अपना स्किन
उनका फिटनेस भी इम्प्रूव हो जाती है। अभी डार्क स्पॉट्स रिमूविंग पैक, तो अगर आपके चेहरे के ऊपर डार्क स्पॉट्स है, पिंपल पिगमेंटेशन है, तो उसको रिमूव करना है आलू को इस्तेमाल करना है। एक बाउल में 2 चम्मच आलू का रस ऐड कीजिए। फ्रेंड्स, ऑलरेडी मैं आलू को बहुत देर पहले ही ग्राइंड कर चुकी हूँ, इसलिए इसका रंग जो है इस तरह चेंज हो चुकी है। अगर आप इंस्टेंटली आलू को ग्राइंड करके इस्तेमाल करने से इसका रंग जो है सफ़ेद दिखता है पानी का रंग, तो बहुत देर हुआ है इसलिए इसका रंग इस तरह चेंज हो चुके हैं। तो क्लीन बाउल में 2 चम्मच आलू का रस ऐड कीजिए। आलू का रस में हमें ऐड करना चाहिए 1 चम्मच तुलसी का पाउडर और 1 चम्मच नीम लीफ का पाउडर। अगर नीम का पत्ते को, तुलसी के पत्ते को अच्छे से सुखा लीजिए, सुखा के पाउडर बना लीजिए। मैं 1 चम्मच नींबू का, 1 चम्मच नींबू का पाउडर और 1 चम्मच तुलसी का पाउडर ऐड कर चुकी हूँ आलू का रस में। ये दो चीज़ को अच्छे से मिला लेना चाहिए। ये पैक जो है डार्क स्पॉट्स को, पिगमेंटेशन को रिमूव करता है और स्किन का कॉम्प्लेक्शन को भी बढ़ा देता है। इसलिए मैं ना डार्क स्पॉट्स को, पिगमेंटेशन, पिंपल, एक्ने को और ओपन पोर्स के लिए ये पैक बहुत अच्छा कमाल कर देती हैं। अभी सिंपल है, ये 3 चीज़ ऐड करके मिक्स कीजिए। अभी इसको चेहरे के ऊपर अप्लाई कीजिए। अभी कैसे अप्लाई करना है मैं बताऊंगी। अभी इसको चेहरे को, साफ चेहरे के ऊपर अप्लाई करना है। रात को सोने के पहले अप्लाई करने से और अच्छे रिजल्ट आपको मिल जाएंगे। चेहरे को अच्छे से सॉफ करके पोंछ लीजिए। जहाँ जहाँ अपने चेहरे के ऊपर डार्क स्पॉट्स है, पिंपल, एक्ने का मार्क्स है, जहाँ लार्ज पोर्स है, उस एरिया पे डॉट डॉट जैसा इसको अप्लाई कीजिए। अप्लाई कीजिए क्योंकि इसमें है तुलसी, तुलसी में एंटीसेप्टिक रहता है। ये अपना स्किन कॉम्प्लेक्शन को इम्प्रूव करता है और एक्ने मार्क्स को भी फेड आउट करती है। नीम लीव्स है, नीम का पत्ते में एंटीबैक्टीरियल रहता है। ये अपना पिंपल को, अंदर बैक्टीरिया को रिमूव करता है और पिंपल्स को हटा देती है तुरंत। इसलिए मैं नीम लीफ का पाउडर ऐड कर चुकी हूँ। और आलू का रस अपना डार्क स्पॉट्स को फेड आउट करता है, चेहरे के ऊपर पिगमेंटेशन को और अनइवन स्किन को हटा देते हैं आलू का रस। सो ये 3 चीज़ अपने चेहरे को अच्छे से कमाल कर देती है, डार्क स्पॉट्स को फेड आउट करके चेहरे को स्पॉटलेस बना देती है। इस तरह आप अप्लाई कीजिए। अप्लाई करके सूखने के बाद चेहरे को नॉर्मल पानी से वॉश कीजिए। याद रखिए फ्रेंड, आप चेहरे को फेस वॉश यानी कि साबुन यूज़ मत कीजिए, खाली नॉर्मल पानी से वॉश करके पोंछ लीजिए। इस तरह जहाँ जिसको भी डार्क स्पॉट्स, पिगमेंटेशन, पिंपल का प्रॉब्लम है, तो उनके लिए ये नुस्खा बहुत बेस्ट है। तो आलू को इस तरह आप इस्तेमाल कीजिए, डार्क स्पॉट्स भी फेड आउट हो जाएगा। अभी आलू का रस से डार्क स्पॉट्स हटाने के तरीका मैं बताऊंगी। इसके लिए हमें लेना है एक क्लीन बाउल में 2 चम्मच आलू का रस ऐड करना चाहिए। और ये आलू का रस में हमें ऐड करना है कोकोनट ऑयल। कोकोनट ऑयल हमें ऐड करना है, 2 से 3 ड्रॉप्स कोकोनट ऑयल ऐड करना है, क्योंकि कोकोनट ऑयल और आलू का रस अपना डार्क सर्किल्स को रिमूव कर देते हैं। ये अपना आंखों के डार्क सर्किल्स को रिमूव करते हैं और अपना आंखों के आसपास का कालापन को हटा के आंखों के नीचे रिंकल्स को, फाइन लाइंस को भी दूर करता है। इसलिए मैंने आलू का रस में कोकोनट ऑयल ऐड कर चुकी हूँ। ये 2 चीज़ को अच्छे से मिला लेना चाहिए। अभी सिंपल है, ये बन चुका है। अगर आपके चेहरे आंखों के नीचे डार्क कालेपन है, डार्क सर्किल्स है, तो उनको हटाना है तो आलू को इस तरह इस्तेमाल कीजिए। अभी इसको कैसे इस्तेमाल करना मैं बताऊँगी। अभी सबसे पहले ना कॉटन पैड लीजिए। अगर आपके घर में कॉटन पैड अवेलेबल नहीं है, तो कॉटन को इस तरह स्क्वेयर शेप में कट कीजिए। कट करके इस सॉल्यूशन में बिल्कुल आप देख रहे होंगे इस सॉल्यूशन को इस तरह, एक कॉटन पैड्स को इस तरह डिप कीजिए। डिप करके आंखों के ऊपर लगा लीजिए। आंखों के ऊपर लगा के आप 5 से 10 मिनट के लिए रिलैक्स हो जाइए, क्योंकि इसमें कम्प्लीटली आलू का रस है। तो आलू का रस अपना आंखों के नीचे कालेपन को दूर करता है और स्किन टैनिंग को भी रिमूव करता है। आंखों के नीचे सन की वजह से भी आंखों के नीचे टैनिंग हो जाती है, तो उसको भी हटाना है तो कंपलसरी आलू का रस इस्तेमाल करना है। ये अपने डार्क स्पॉट्स को फेड आउट करने के साथ ही साथ आंखों के नीचे आसपास का कालेपन और रिंकल्स, फाइन लाइंस को भी दूर करता है। और इसमें कोकोनट ऑयल है। कोकोनट ऑयल अपना आईज को नॉरिशिंग करता है, कंडीशनिंग करता है और नेचुरली मॉइस्चराइज भी देता है। इसलिए मैंने कोकोनट ऑयल ऐड कर चुकी हूँ। ये 2 चीज़ इस्तेमाल करके तैयार किया हुआ ये पैक डार्क सर्कल्स को हटाने के लिए बहुत कमाल कर देती है। इस तरह आप आंखों के ऊपर अप्लाई कीजिए। 10 मिनट तक छोड़ने के बाद इसको रिमूव कीजिए। अपना आईज बहुत रिफ्रेश होंगे और अपना स्किन जो है डार्कनेस जो है लाइट है होता है। ऐसा आप जब भी टाइम मिलता है इस तरह आप ट्राई कीजिए। अपना आईज बहुत रिफ्रेशिंग होंगे, डार्क सर्कल्स की कम होगा। अगर आपको डार्क सर्कल्स जल्दी से जल्दी हटना है, तो आप
सुबह और रात को डेली दो बार इस्तेमाल कीजिए। इस तरह कॉटन को दुबा के आंखों के ऊपर अप्लाई करने से डार्क सर्कल्स परमानेंटली हट जाएंगे और आंखों के नीचे व्रिंकल्स, फाइन लाइन्स और साइड का फाइन लाइन्स भी दूर होगा। अपना आइज भी बहुत रिफ्रेशिंग लुक देता है और अपना डार्कनेस भी दूर होगा। सो फ्रेंड्स, ये था आज की मेरी आलू स्किन केयर का वीडियो। अगर आपको मेरी इस वीडियो अच्छा लगा ना, तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। इस वीडियो को रिगार्डिंग कुछ भी कमेंट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, उसके आंसर मैं जरूर दूंगी। फिर मिलती मैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।